अब अन्य लक्षणों को समझने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। सामाजिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है, उनको प्राथमिकता देना है और उनके पक्ष में कुछ तर्क हैं। ये तर्क क्या हैं और ये कितने उचित हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला बिंदु कहता है व्यवसाय समाज का अंग है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि व्यवसाय जो है समाज का एक अंग है। ठीक है, एक जो व्यवसाय होता है वो सब सिस्टम की तरह कार्य करता है और जो मेन सिस्टम की, जिसे हम समाज कह सकते हैं, समाज जो है मेन सिस्टम है। तो अगर सब सिस्टम मेन सिस्टम को मदद नहीं करेगा तो कैसा होगा? क्योंकि जो सब सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं व्यवसाय, है ना, जैसे कि आप एक डायग्राम में देख रहे हैं, मैंने अलग अलग दो बिंदु बनाए हैं। एक समाज है जो कि एक बहुत बड़ा गोला है, उसमें एक व्यवसाय को मैंने क्या कर दिया, एक छोटा गोला बना दिया। तो मुख्य जो अंग है वो समाज हो गया और ये जो छोटा वाला अंग है वो क्या हो गया, एक सब सिस्टम हो गया। तो ये जो समाज है, ये जो व्यवसाय है, वो समाज से ही सारा कुछ ले रहा है, सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कच्चा माल ले रहा है, फिर उसके बाद रोजगार दे रहा है लोगों को। तो रोजगार किस लिए दे रहा है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है इस समय, उसको व्यवसाय चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता है। और भी कई चीज़ें ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है, फर्नीचर ले रहा है और इंफ्रा ले रहा है ना, बिल्डिंग मतलब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समाज से ले रहा है। अब समाज को भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज को वो नहीं देगा तो समाज से लेगा तो ये एक सही बात नहीं है। और जो व्यवसाय है वो समाज का ही एक अंग है, क्योंकि व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं वो एक सामाजिक व्यक्ति प्राणी है। जैसे कि हम एक कोट है इंग्लिश में कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब जब मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसी ने व्यवसाय चालू किया है, तब जब समाज से ही वो सब कुछ ले रहा है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह समाज को कुछ ना कुछ प्रदान करे। तो जो समाज है एक मेन सिस्टम की तरह कार्य करता है और जो व्यवसाय है उसका एक सब सिस्टम की तरह कार्य करता है। अब ये मेन सिस्टम में कौन कौन लोग होते हैं? मेन सिस्टम में वही लोग होते हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा की थी, जैसे कि उपभोक्ता, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता, शासन, स्वयं व्यवसायी, है ना। ये सारे लोग होते हैं जिनके बेनिफिट के लिए या जिनको कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ प्रदान करने के लिए उनके बारे में एक व्यवसायी को सोचना चाहिए। अब डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है व्यवसाय को इन अंगों के लिए करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे तर्क की ओर। दूसरा तर्क कहता है कि सरकारी नियमों से बचाओ। बिल्कुल सही है, अगर हम अनुचित तरीकों से व्यवसाय करेंगे और साथ ही साथ समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे तो सरकारी नियम हम पर भारी पड़ेंगे। तो इन नियमों से बचाव के लिए भी यह ज़रूरी है कि हमें जो है अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए अगर हम एक व्यवसायी हैं तो। तीसरा जो तर्क है वह कहता है कि दीर्घकाल में व्यवसाय का हित देखना। अगर किसी भी बिजनेसमैन को या व्यवसायी को अगर उसका सोचना यह है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया या प्रारंभ किया है उसको लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल के लिए चलाना है, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि उसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि परचून की दुकान आपके घर के पड़ोस में ही कोई चलाता है तो वो क्या करता है, कई बार आप क्या करते हैं, बिना पैसे लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपको दे देता है, ठीक है आप बाद में पैसों को दे दीजिएगा। तो वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत है उस समय, और उस समय क्योंकि आप किसी वजह से पैसा ले जाना अपने साथ भूल गए हैं और आपको उस समय उस वस्तु की आवश्यकता है, तो परचून की दुकान वाला क्या करता है, आपको जानता है, इससे वो क्या कर देता है, उस समय अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि आपको वस्तु दे देता है, है ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि आप उसको उस वस्तु के बदले जो पैसे देने हैं वो कब देते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई,
है ना। इसके अलावा भी कई बार होता है कि वो छोटा सा परचून का दुकान वाला भी, जो बहुत सारे उत्सव आप लोग मनाते हैं, जैसे कि गणेश उत्सव मनाते हैं या कोई उत्सव मनाते हैं, या नवरात्रि के समय एक बहुत बड़ा पंडाल लगा करके जन समूह एकत्रित करते हैं, वहाँ पे लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं, जिससे कि लोगों के लिए जो फंक्शन या जिस भी तरह का मेला ऑर्गेनाइज किया गया है वो सुचारू रूप से चल सके और वो एक उचित तरीके से जो है वो प्रोग्राम आगे बढ़ सके और लोग उसका आनंद ले सके। तो इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं कि दीर्घ काल में अपने व्यवसाय के हित के लिए वो क्या कर रहे हैं, इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं या अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अब जन छवि की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण दूं, मान लो ये जो जन समारोह होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा करी, वहाँ पे जो स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स मतलब जो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी नवरात्रि कुछ दिन पहले ही गई है, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे लोग क्या करते हैं, गरबा करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स रहते हैं जो कुछ पैसा लगाते हैं और जो बहुत अच्छा गरबा कर रहे हैं या जिनका योगदान इन तरह के कार्यक्रमों में सबसे अच्छा है, उनको छोटे छोटे गिफ्ट देते हैं, है ना, अंतिम दिनों में। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वो एक तरह से अपने प्रमोशन कर रहे हैं और लोगों के बीच उनकी एक छवि भी बन रही है कि नहीं भाई इन्होंने तो कितना कुछ किया है, लोगों को उपहार दिया है। एक उदाहरण ही ले लेते हैं, मान लो कोई सुनार है, ठीक है, जो सोने का काम करता है, वो स्पॉन्सरशिप में आता है और वो क्या करता है, इन जन समारोह में उन्होंने एक स्पॉन्सरशिप ली और लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक छोटे छोटे उपहार ही जो है वो प्रतियोगियों के लिए, जो अच्छे प्रतियोगी थे उनको दिया या जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं कोऑर्डिनेटर्स उनको दिया, तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको दिए। तो इस तरीके से काम करने से लोग उनके बारे में, एक बहुत बड़ा जन समूह जो है उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है और वो उस व्यवसाय से कहीं ना कहीं से जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो जन छवि भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या एक बहुत कह सकते हैं एक उसका भरपूर महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, ठीक है। अब उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि कैसे होगी, ये आज का बहुत ही नया कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते, कुछ समय पूर्व ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता को जागरूक बनाना बहुत ज़रूरी है कि उपभोक्ता जो भी वस्तु ले रहा है वो सही रेट पर, सही रेट अर्थात मूल्य, है ना, सही मूल्य पर और सही जितने मूल्य का वो पदार्थ है या उत्पाद है उसको वही सही समय पर उस उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी व्यवसाय के लिए। तो उपभोक्ता को जागरूक रखना, उसकी जागरूकता में वृद्धि करना भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कार्य या तर्क माना जा सकता है सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में। अभी तक हमने बात की कि सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में व्यवसाय के रोल की, अब हम इसका थोड़ा उल्टा सोचते हैं, ठीक है, कि हमने अभी तक प्रायोरिटी किसको दी है, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता सामाजिक उत्तरदायित्व को दी है। अभी तक हमने चर्चा ये नहीं कही कि हम व्यवसायी हैं, हमें लाभांश की चर्चा नहीं करी, अब हम ये देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है अपने लिए भी सोचना, लेकिन कितने पॉइंट तक या उसका लेवल कितना होना चाहिए। अब हम ठीक इसके उल्टा बात करेंगे कि हम ये बात करेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में कुछ तर्क जानते हैं और वो कहाँ तक सही है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो तीन तर्क आप देख रहे हैं, पहला तर्क है व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध। देखिए, एक व्यवसायी का व्यवसाय करने से पहले मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है लाभांश कमाना, ठीक है, तो इस तरीके से तो प्राथमिकता हुई लाभांश कमाना। अब बात यह है कि हम समाज को क्यों दें, है ना, सवाल ये है कि हम समाज को क्यों दें, इतनी मेहनत तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सुबह 9 बजे से दुकान पे आ जाते हैं या सुबह 9 या 10 बजे से ऑफिस में आ जाते हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, रात को 12 बज जा रहा है, हम इतनी लेट जा रहे हैं, तो लाभांश हम खुद क्यों ना लें, क्यों समाज को दे। अब इसका जवाब क्या हो सकता है,
ये लाभांश क्यों आ रहा है? क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, समाज से अलग अलग संसाधन ले रहे हैं और समाज में बनाए रहने के लिए, अपने इस व्यवसाय को दीर्घकाल तक चलाने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको समाज में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो जैसे ये तर्क था कि व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध है, तो व्यवसाय का उद्देश्य क्या हो रहा है कि सबसे प्रायोरिटी या सबसे प्राथमिक उद्देश्य होता है लाभांश कमाना। तो जब हम सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कर रहे हैं तो ये जो है व्यवसाय के उद्देश्य के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन विरुद्ध जाते हुए भी क्या हो रहा है, ये व्यवसाय के जो है विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा तर्क देखते हैं, दूसरा तर्क कहता है कि कार्य प्रणाली में अकुशलता। अब देखिए, जब तक लाभ नहीं होगा तब तक लोगों में काम करने में रुचि नहीं आएगी, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ समाज को क्यों देखना है। आप अगर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय जो है कई लोगों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए आपके साथ बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ काम करने में उनको कोई मज़ा आ रहा है या किसी प्रकार का लाभ हो रहा है, जिसे हम बेनिफिट्स कहते हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे, है ना। सिंपल सी बात है, जब तक उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनको कोई लाभ हो रहा है, वो आपके साथ जुड़े नहीं रहेंगे। सामान से परचून की दुकान का उदाहरण ले लें, अगर एज ए कस्टमर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यवसाय से लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही है, कि दी हुई कीमत पर मैं जो है एक उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि अब घर के पास है तो मुझे इसे लेना पड़ रहा है, लेकिन ये न सही कीमत पर मुझे वस्तु दे रहा है, न वस्तु की क्वालिटी उतनी अच्छी है, तो क्या मैं दोबारा जाना पसंद करूँगी, या मुझे बहुत आवश्यकता नहीं होगी तब तक मैं उस परचून की दुकान पर जाना पसंद करूँगी? नहीं। तो जब तक स्वयं व्यक्ति जब तक किसी लाभांश उसको नहीं मिलता तब तक कोई काम ठीक से नहीं होता। तो यहाँ पर भी बात आती है कि कार्य प्रणाली में अकुशलता, हम तर्क देख रहे हैं, तो जो जुड़े हुए लोग हैं अगर उनको लाभ नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट्स नहीं दिखेंगे, तो वह एक अच्छे कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे या व्यवसाय से जुड़े नहीं रहेंगे। आपके व्यवसाय के अंदर अगर वो कर्मचारी हैं तो वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे जो बॉस हैं या हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है जो व्यवसाय चलाने का, बिजनेस का, वो एक सही तरीके से काम कर रहा है, वो अपने से जुड़े हुए कर्मचारियों को एक अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, कुशलता से काम करेंगे। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब लोग जुड़े रहते हैं वो संतुष्ट होते हैं और वो अच्छे से काम करते हैं, तो जो व्यवसाय है एक लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल के लिए आगे बढ़ता है, अन्यथा वहाँ वो व्यवसाय उसकी जो आयु होती है वो कम हो जाती है। तो दूसरा तर्क हमने समझ लिया है कि कार्यप्रणाली में अकुशलता आ जाती है अगर हम सामाजिक उत्तरदायित्वों को ध्यान न दें तो, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है कि व्यावसायिक मूल्यों का प्रभाव। व्यावसायिक मूल्य है ना, हम यहाँ व्यावसायिक मूल्यों की बात कर रहे हैं। हर व्यवसाय के अपने वैल्यूज़, मूल्य यानी वैल्यूज़, अपने वैल्यूज़ होते हैं जिन मूल्यों पर वह काम करती हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये डिपेंड करता है या निर्भर करता है उस इंडिविजुअल व्यवसाय पर, ठीक है। अब वो व्यवसाय किस तरीके के मूल्यों को फॉलो करता है या उसका पालन करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वह क्या चाहता है। तो अगर कोई भी व्यवसाय उसका मूल्य या उसके वैल्यूज़ ऐसे हैं कि केवल पर्सनल बेनिफिट्स को ध्यान में रखना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ध्यान में नहीं रखना है या सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में नहीं रखना है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो व्यवसाय है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसे नहीं मिलेंगे, या दीर्घकालीन जो लाभांश उसे मिलना चाहिए, जो या व्यवसाय का जो आयु दीर्घकालीन होना चाहिए वो दीर्घकालीन ना होकर के अल्पकालीन रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि व्यावसायिक मूल्यों का प्रभाव एक व्यवसायी पर पड़ता है, तो उनके मूल्यों को भी इस तरीके से सुनिश्चित करने चाहिए कि वह उनके व्यवसाय को दीर्घकाल तक चलाने में मदद कर सके। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो है सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में
कुछ तर्क देखे, लेकिन हमको जानने में अंतिम में यही मिला कि किसी भी व्यवसाय को चलाने से पहले या व्यवसाय को हम चला रहे हैं तो उसमें अपने लाभांश को तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमने समराइज किया था या छोटे रूप में समझा था कि ऐसे कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, जिनके प्रति एक व्यवसायी का अपना एक उत्तरदायित्व होता है, अब हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो टॉपिक है उसका नाम है विभिन्न वर्गों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है। तो पहला वर्ग जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है स्वामी या निवेशक। स्वामी कौन होता है? जो उस व्यवसाय को के स्वामित्व को धारण करता है ना, ठीक है। और ये निवेशी कौन होते हैं? जो कि अपना पैसा, ठीक है, इस व्यवसाय में निवेश करते हैं, ये स्वामी भी हो सकते हैं। हम इसे इंग्लिश में इन्वेस्टर्स कहते हैं। निवेशकों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टर्स कहते हैं। तो इनके प्रति व्यवसायी का क्या योगदान होना चाहिए, उसका क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, आइए देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप इन विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं, अगर आप इन बिंदुओं को समझने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो निवेशक होते हैं ये क्या करते हैं? पूंजी लगाते हैं अपनी, तो इनकी पूंजी की सुरक्षा का ध्यान रखना, ठीक है, इनकी जो पूंजी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उचित लाभांश इनको प्रदान करना, और साथ ही साथ जितना भी लाभ व्यवसायी कमा रहा है उनको बराबरी से इन इन निवेशकों में उनका आवंटन करना या उनमें वितरित करना, और साथ ही साथ समय का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सही समय पर उनको उनके लाभांश नहीं मिलेंगे तो हो सकता है ये जो इन्वेस्टर्स हैं या हम कह सकते हैं ये जो निवेशक हैं वो अपने किए गए निवेशों को वापस ले लें। और हम कह सकते हैं कि इसके अलावा हम ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं या जो व्यवसायी है इन निवेशकों के लिए कर सकते हैं, जिससे कि ये निवेशक बने रहें, इनको बीच बीच में ऐसे कोई गिफ्ट्स देते रहें या लाभांश के रूप में ऐसा कुछ अलग अलग गिफ्ट्स देते रहें जिससे कि इनका जो निवेश है वो निरंतर बना रहे। तो इस तरीके से हमने पहले वर्ग को जाना है कि स्वामियों और निवेशकों के लिए एक व्यवसायी का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और विभिन्न वर्गों के लिए भी जानने की कोशिश करते हैं कि व्यवसाय का या व्यवसायी का इन वर्गों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। आइए अगले वर्ग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला वर्ग क्या है। अगला वर्ग जो है वो है कर्मचारियों के प्रति। बिल्कुल सही बात है, एकदम मेजर कॉन्सेप्ट पे आए हैं, क्योंकि ये जो कर्मचारी होते हैं अगर ये असंतुष्ट रहे तो आपका व्यवसाय या मेरा व्यवसाय आगे बढ़ना मुश्किल है। तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोचूं कि मेरे अंडर जितने भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? पहली चीज़ मैं क्या कर सकती हूँ? उनको एक सही पारिश्रमिक प्रदान कर सकती हूँ, मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको सही सैलरी प्रोवाइड करना, सैलरी यानी वेतन, ठीक है, सही पारिश्रमिक प्रदान कर सकती हूँ। और ये जो सैलरी है उसको सही समय पर देना, ये नहीं कि वो दिन भर लगे हुए हैं उसके बाद भी वो अपने किए गए परिश्रम के लिए उनको पारिश्रमिक मिलने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़े, ये गलत तरीका हो जाएगा, ये आपका गलत इम्पैक्ट भी उन पर डालेगा और वो आपके व्यवसाय को या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके चले जाएंगे। तो कर्मचारियों को संतुष्ट रखना बहुत ज़रूरी। कैसे संतुष्ट रख सकते हैं? अलग अलग तरीक़ों से उनको संतुष्ट रखा जा सकता है, उनको अच्छा वातावरण प्रदान किया जा सकता है, फिर क्या किया जा सकता है, उनके वेतन में उनके कार्य अनुसार वृद्धि की जा सकती है, समय समय पर उनको बोनस दिया जा सकता है, अगर उनको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण की ज़रूरत है तो हम वो भी कर सकते हैं, और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जब एक साथ काम करते हैं तो कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई समस्याएं आ जाती है अलग अलग तरीके की, तो उन समस्याओं का सही समय पर हम निवारण कर सकते हैं।
तो इस तरीके से एक व्यवसायी का कर्मचारियों के प्रति इस अलग अलग तरीके से अगर वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें तो वो अपने कर्मचारियों को खुश और संतुष्ट रख सकता है। इट मीन्स वो उनको हैप्पी और सैटिस्फाइड रख सकता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे वर्ग की तरफ, जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता के प्रति। अब ये उपभोक्ता है, ये कर्मचारी के बाद या कर्मचारी के पहले आता है, ये आप डिसाइड करिए। बट मेरे हिसाब से उपभोक्ता है वो प्रायोरिटी रखता है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय के लिए, है ना, कर्मचारियों के बाद उसका जो उपभोक्ता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो उनके उत्पाद या सेवाओं को खरीदेंगे, है ना। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, तो इनको खरीदेंगे और इनका उपयोग करेंगे। तो अब हम उपभोक्ता को किस प्रकार से खुश रख सकते हैं या एक व्यवसाय के तौर पर हमारी क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, आइए जानते हैं। इसके कुछ बिंदु आप स्क्रीन पर आप देखते जाएंगे, मैं अपने शब्दों में, सरल शब्दों में आपको इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल एक एक पॉइंट रीड ना करते हुए मैं अपने सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ और इसे समझने की कोशिश करिए। आप उपभोक्ता कैसे खुश कर सकते हैं, उचित मूल्य पर उचित वस्तु प्रदान करके खुश कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसको क्या कर सकते हैं, एक आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसे हम बात करते हैं कि कोई प्रोडक्ट भेज दिया, उत्पाद भेज दिया, लेकिन समय समय पर सर्विसेज का ध्यान रखते हुए हम उसको देख सकते हैं कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। आपको जो वस्तु दी है उसको ख़राब तो नहीं हो गया, अगर उनका कॉल आता है तो बराबर एज ए कस्टमर को प्रॉपर सर्विस देना है, ये चीज़ें कर सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, जो मुनाफाखोरी जैसी चीज़ों को हम बढ़ावा न दें, इनसे हम दूर रहें, है ना। और सही समय पर सही वस्तु को जो है किसे, किस तक पहुंचाना है, उपभोक्ता तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात, अपनी उपभोक्ता की आवश्यकता को समझना है कि जो हमारा उपभोक्ता है उसकी आवश्यकता क्या है और वो हमसे जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उससे हमें किस तरीके से, हमसे किस तरीके से जुड़ा रह सकता है। तो इस तरीके से हम अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को समझते हुए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उन्हें खुद से जोड़े रख सकते हैं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। अगला वर्ग देखते हैं कि अगला वर्ग क्या है, सरकार के प्रति। सरकार के प्रति टैक्सों को सही समय पर पूरा करके, सरकार ने जितने भी नियम कानून बनाए हैं उनको, उनका पालन करके, इसके बाद जो नए उद्योग या नए व्यवसाय स्थापित होने वाले हैं या होना चाहते हैं, जिसे हम स्टार्टअप्स कहते हैं, उसमें सरकार की मदद करके, साथ ही साथ जो अनुचित उपायों उसका उपयोग करके जो अन्य व्यवसायी जो हैं अपने समाज के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं लेकिन वो अपने लाभांश कमाते हैं, इस तरह के अनुचित कार्यों को ना करके हम क्या कर सकते हैं, सरकार के प्रति एक व्यवसायी के तौर पर अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले वर्ग को देखते हैं, विश्व और सामान्य व्यक्ति। अब देखिए, इंटरनेशनल तौर पर या हम ग्लोबल तौर पर बात कर रहे हैं, तो एज अ बिजनेसमैन हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम क्या करें। सबसे पहले बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति को ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना है। आजकल सब चीज़ें ग्लोबल हो गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एज अ बिजनेसमैन देखें तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो कि जिसके थ्रू आप ग्लोबल तौर पर क्या कर सकते हैं, आप एज ए कस्टमर जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर को खरीद सकते हैं और आप एज ए व्यवसायी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि उत्पाद एवं सेवाएं जिसे हम कहते हैं, उनको सेल कर सकते हैं या कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। तो हम ग्लोबल बात करेंगे या इंटरनेशनल तौर पर बात करेंगे तो हमेशा एज ए व्यवसायी, एक व्यवसायी के रूप में हमें ध्यान में रखना है कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार नियमों की बात करें, साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े देश हैं उनको आगे बढ़ाने में, है ना, शासन की मदद करें या
विश्व में जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको हम मदद करें और मानव अधिकारों के जो लक्ष्य हैं उनको सुनिश्चित करें और उनके लिए कार्य करें। तो इस तरीके से हम जो इस विश्व के लिए हम किस तरीके से एज ए व्यवसायी या व्यवसायी के तौर पर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे ये आपने जाना है। आइए अगले वर्ग की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला वर्ग कौन सा है। अगला वर्ग जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है पूर्तिकर्ताओं के लिए यानी सप्लायर। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी ये वो लोग हैं जो हमें संसाधन उपलब्ध कराते हैं, है ना। ये कच्चा माल हो सकता है, मशीनें हो सकती हैं, तो और भी कई वस्तुएं हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो ये पूर्तिकर्ता हमें उपलब्ध कराते हैं। तो एक व्यवसायी का अब इनके लिए क्या उत्तरदायित्व है, तो जो इनके उत्तरदायित्व हैं कुछ इस प्रकार है जैसे कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। उनके द्वारा जो दी गई वस्तुएं हैं उनका उचित मूल्य चुकाना, वो भी सही समय पर चुकाना, और जो वस्तुएं हैं उनको नए नए अवसर प्रदान करना ताकि वो अपने जो नए उत्पाद हैं उसको मार्केट में ला सके। साथ ही साथ बाजार के वस्तुओं के अभाव को देखते हुए क्या करना है, उनकी कठिनाइयों को सुनना और उनके लिए कुछ सक्रिय सहयोग प्रदान करना। जैसे मार्केट कभी कभी क्या होता है बहुत डाउन चला जाता है तो इस समय सबको तंगी का सामना करना पड़ता है, तो इस समय ये वो लोग होते हैं जिनको मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक व्यवसायी को इनकी आवश्यकताओं का भी समय समय पर ध्यान रखना चाहिए। फिर व्यापार की शर्तों के अनुसार माल के मूल्यों का शीघ्र भुगतान करना और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देना। ये नहीं कि नहीं अब आपको जल्दी ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, आपको कम समय दिया जा रहा है नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो एक व्यवसायी को ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन आ रहा है, उनके टेस्ट में परिवर्तन, टेस्ट मतलब खाने का टेस्ट नहीं, कपड़े पहनने का टेस्ट है या किसी वस्तु को उपयोग करने का तरीका है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनके बारे में जो क्या है क्या करना, पूर्तिकर्ताओं को बताना। हालांकि वो लोग मार्केट रिसर्च करते रहते हैं फिर भी ऐसी कई चीज़ें हैं, क्योंकि जो व्यवसायी होता है वो जो है मार्केट में लगातार कस्टमर से या उपभोक्ताओं से किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहता है, तो उसे जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जो है पूर्तिकर्ताओं के अपेक्षा ज़्यादा ज्ञान होता है। तो वो हो सकता है अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके साथ शेयर कर सके, जो नवीनता चाहिए कस्टमर को उनके प्रोडक्ट में वो बता सकता है, इससे कि वह पूर्तिकर्ताओं के प्रति अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ग है स्वामियों के प्रति। स्वामियों के प्रति अब कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, स्वामी का खुद देखिए अपने प्रति, हो सकता है व्यवसाय ही स्वामी हो लेकिन ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट यानी प्रबंध अलग हो स्वामी अलग हो। तो जो स्वामी होता है ये क्या करता है, इन्होंने जो अपनी पूंजी लगाई क्योंकि इन्होंने भी अपनी कुछ जो पूंजी है उसको विनियोजित किया होगा, उसको बराबर उसका लाभांश देना और उनकी जो पूंजी की सुरक्षा बनाए रखना और स्वामी के हितों को पूर्ण करना, साथ ही साथ अगर कोई मीटिंग्स वगैरह होते हैं, सभाएं होती हैं तो उनमें उनको बुलाना, और सबसे बड़ी बात जो स्वामी हैं अगर उनसे प्राप्त कोई निर्देश हो रहा है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है या किसी संस्था में कुछ चीज़ों की आवश्यकता है या किसी प्रकार के ट्रेनिंग एंड रिसर्च वर्क की या ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है, तो इस तरीके से जब वो कुछ बातें कहते हैं या कुछ संभावनाएं प्रकट करते हैं कि ये काम हो सकते हैं तो उनकी बातों को सुनना प्रबंध का कार्य होता है, एक व्यवसायी का कार्य होता है, और उनकी बातों का अमल करना कि अगर वो कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी बातों को यानी स्वामियों की बातों को सुने और उनकी बातों पर अमल करें। तो इस तरीके से जो एक व्यवसायी है समाज के प्रति या स्वामी के प्रति अपने उत्तरदायित्व का, इन उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकता है। अगला वर्ग है खुद का वर्ग है कि एक स्वामी को या एक व्यवसायी को खुद के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस बिंदु को कह रहा है कि अपने स्वयं के प्रति, बिल्कुल सही बात है, जो व्यवसाय क्यों कर रहे हैं, लाभांश अर्जन के लिए कर रहे हैं ना, तो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्य वर्गों के लिए तो है ही लेकिन साथ साथ
वो जो है उसके लिए भी है। तो व्यवसाय का कुशलता पूर्वक संचालन कैसा हो सके, ठीक है, जो लाभार्जन क्षमता है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, ऐसे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, या ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं, या ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सुधार करके हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को बढ़ाया जा सके, वस्तुओं एवं सेवाओं को जनता तक सही समय पर किस तरीके से पहुंचाया जा सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में या संस्था में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से सेटिस्फाइड रखा जा सके, प्रसन्न रखा जा सके, जिससे कि वो लंबे समय तक काम करें, साथ ही साथ जो है व्यवसाय की क्षमता को निरंतर रूप से जो है चेक करते रहना पड़ता है कि कहाँ विकास की आवश्यकता है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, क्या करने से विकास होगा, किस तरीके से ये जो व्यवसाय चल रहा है वो लाभांश का अर्जन करेगा। तो ये सारे उत्तरदायित्व जो है एक व्यवसाय के खुद के हैं कि वो अपने लिए भी उत्तरदायी है, तो उनको अपने लिए इन बिंदुओं पर कार्य करना पड़ेगा। अगला जो वर्ग है वो है, कहता है कि ऋणदाताओं के प्रति, बिल्कुल सही बात है, ऋणदाताओं के लिए भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व है कि जो उन्होंने ऋण दिया है उसको सुरक्षित रखना, ठीक है, और दूसरी बात उनको जो है समय समय पर सूचनाएं प्रदान करते रहना अगर उन्हें किसी प्रकार की किसी सूचना की आवश्यकता है तो, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें धन प्रदान करना, ठीक है, और उनसे उनके द्वारा जो ऋण जब्त किए गए हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, अगर उन्हें ब्याज दिया जा रहा है तो बराबर ब्याज देना। तो जिस तरीके से एक सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाया जा सकता है, एक व्यापारी का कर्तव्य है कि वो इस वर्ग के लिए भी अपना कर्तव्य निभाए या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। अगला बिंदु देखते हैं जो है पेशेवर संस्थाओं के प्रति। तो पेशेवर संस्थाएं, ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो व्यवसाय के लिए कार्य करती है, तो एक व्यवसाय को चाहिए कि उसकी सदस्यता को ग्रहण करें, साथ ही साथ अगर उसमें कुछ मीटिंग्स हो रही हैं तो उन मीटिंग्स को सही समय पर अटेंड करें, मतलब जो संशोधन के कार्य वो कर रहे हैं उनके, या मार्केट एनालिसिस अगर वो कर रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हो। ये जो पेशेवर संस्थाएं होती हैं ये समय समय पर जो है रिसर्च वर्क करती रहती हैं, मार्केट रिसर्च करती रहती कि क्या बदलाव आए हैं और इन बदलाव को हम किस तरीके से पा सकते हैं। जो उपभोक्ता है उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं किस तरीके से बदली हैं, तो हम उसकी आवश्यकताओं को कैसा पूरा कर सकते हैं, इस तरह के विभिन्न रिसर्च जो हैं वो इस तरह के पेशेवर संस्थाएं करती रहती हैं, और कई तरीके की पत्रिकाओं का निष्पादन भी ये लोग करते हैं, तो उन पत्रिकाओं को खरीद कर रखना और उनसे जानकारी संग्रहित करना और उनके द्वारा जो शोध कार्य किए जा रहे हैं उनमें उनकी मदद करना और रोज़गार जैसी स्थितियां उत्पन्न करना, जिससे कि ये जो पेशेवर संस्थाएं हैं उनके प्रति जो है एक व्यवसायी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन बराबर तरीके से कर सके या सही तरीके से कर सके, हमें कह सकते हैं।